हेलो बच्चों, हेलो मैम, कैसे हो? मैम ठीक है। ठीक हो? बढ़िया हो? मस्त हो? दुरुस्त हो? सब कुछ है ना? चलो जी, आज हम 6th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं SST का। देखो, तुम्हें पंचायती राज कराया था। पंचायती राज में क्या था? पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ये मुखिया होता है गांव का, उसी के अकॉर्डिंग उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपस में उसको सलटा लेते हैं। ठीक है, ये सब कराया था। ठीक है, सेक्रेटरी होता है जो उनकी जांच पड़ताल करता है कि भाई पंच सरपंच अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, फिर गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, अपनी जगह भर रहे हैं और गांव में काम नहीं करवा रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं हो रही है, रोड की सुविधा नहीं हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी पंचायती राज। ऑलराइट, अगर हम बात करें इसकी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये क्या होता है? देखो भाई, इसका हम आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स हम इसको एक लेवल पे अच्छे से इसके जो नोट्स है वो कवर अप करेंगे और इसको अच्छे से हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या 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 हमें बताया गया है और क्या क्या की चीजें यहाँ पे होती है। अब रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव की तरफ से। देखो, हम कहीं ना कहीं, हम नहीं तो हमारे पेरेंट्स नहीं तो उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी गांव से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो रूरल का मतलब क्या होता है भाई? ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण। वेरी गुड, ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना? अलग सा वर्ड आ गया। आप देखो, अगर आगे ऐसे ही वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। अब प्रशासन भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? प्रशासन क्या होता है, समझ में आया? ग्रामीण रूरल, हाँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट लाइक कि ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई वहां पे कैसे चल रहा है सब सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पंचायत राज में तो भाई हमने पढ़ा था कि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, कुछ अलग अलग वार्ड से लोगों को इलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर वो किसी भी चीज़ को, मुद्दे को सुलझाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें हम देखो, तुम इस तरीके से समझो कि इसके अंदर कैसे काम होंगे, थोड़े से और अप लेवल पे होंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से क्या हो जाएंगे, थोड़े से और अप लेवल पे होंगे, जैसे कि कौन चीजें करेगा, कैसे करेगा, गांव में किस तरह से मतलब कोई भी काम होगा। ठीक है, कैसे चलता है प्रशासन। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो एक बहुत बड़ा देश है, कंट्री है। ठीक है, और इसके अंदर 28 क्या है भाई? स्टेट्स है। 28 क्या है? स्टेट्स है। और 20 तो ये नहीं है कि बस 28 ही स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है भाई? कई सारे गांव होते हैं, तहसील होती है, तहसील भी गांव होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर ये सारे क्या है भाई? ये स्टेट्स है, स्टेट, फिर ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट मतलब ये एक स्टेट यहाँ से, ये एक स्टेट हो गया। स्टेट के अंदर क्या है? बहुत सारी तहसील मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तहसील होती है, तहसील में भी फिर ये होता है कि भाई ये गांव इस तहसील में आ रहा है, ये गांव इस तहसील में आ रहा है, तो इस तरह से। तो लाखों गांव है। अब तुम देखो कि एक प्राइम मिनिस्टर है जी, ठीक है, तो वो पूरे हमारे जो हमारी कंट्री है उसको पूरे को गवर्न कर रहे हैं, पूरे को चला रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कंट्री को चला रहे हैं, जो और स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज भी है, फिर उसके नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट्स है, फिर वहाँ पे और गांव है, बहुत सारे लाखों गांव, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कैसे से ये सब मैनेज होगा? ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। बात करें तो देश की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं इसको, तो देश को तो आराम से, बड़े आराम से चला रहे हैं। हाँ जी, हम सॉरी लॉ बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं सबकी हेल्प से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लेयर बाय लेयर हटाए इसकी, तो क्या मिलेगा? कंट्री के अंदर स्टेट है, फिर एक स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे गांव हैं, विलेजेस हैं। समझ में आया? यस सर। चलो जी, आगे चलते हैं। तो इतने सारे लोगों को फैसिलिटी देनी है, क्या देनी है भाई? फैसिलिटी देनी है। सारे लोगों को तो कैसे दी जाएगी? अब अगले प्राइम मिनिस्टर तो बात नहीं करेंगे, तुम्हारी फैसिलिटी। तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, जो वो लोग भी जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, वो लोग भी क्या होते हैं? गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं। तो अबे दो चीजें होती है, कौन कौन सी दो चीजें होती है देखो, टेकिंग केयर ऑफ दियर नीड्स, किसकी? विलेजर्स की।
taking care of their needs for water, electricity, road connection is not a small task. ये बहुत छोटी सी बात रही क्योंकि लाखों गांव है और लाखों गांव में करोड़ों लोग रहते हैं, ठीक है, भारत के अंदर. और वहाँ पे अगर मैं बच्चे को हटा दूँ, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया था बस. हाँ जी, लाखों लोग रहते हैं, लाखों लाखों गांव है, वहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्या है कि वाटर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर की प्रॉब्लम होती है. बेसिक नीड है हमारी वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पक्की जो सड़कें होती है वो, ठीक है. तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अप लेवल पे हो जाती है. अगर हम छोटा सा ही काम कराते हैं अपने घर में कंस्ट्रक्शन, तो देखो कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है. और मतलब पूरा गांव की, कहीं सारे गांव की रोड बनाने की बात चल रही है, तो ये एक बहुत छोटी सी बात नहीं है. तो ये बात हो गई. दूसरी चीज हो गई लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड रिकॉर्ड मतलब जमीन जो होती है, क्योंकि क्या होता है गाँवों में ज्यादातर क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर काम होता है, जस्ट लाइक खेती होती है वहां पे. तो जो कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी जमीन किसकी है. अब रिया है, रिया और ये परी है, दोनों साथ में खेत ले रखा हुआ है और खेतों में काम करती है, ठीक है. मतलब तुम उनके अपने खेतों की ओनर हो. तो कैसे पता चलेगा कि रिया का खेत कितना हेक्टेयर है और तुम्हारा खेत कितना हेक्टेयर है, फिर कितना बीघा खेत है तुम्हारा, कैसे पता चलेगा, ठीक है. तो वहां पे क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड्स रखते हैं कि भाई रिया के पास में इतना हेक्टेयर है और इसके पास में इतना हेक्टेयर है. तो उससे पता चलेगा कि भाई इसने जो फसल उगा रखी है, तो इसने इतने एरिया में फसल उगाई है, तो मतलब ये इतना एरिया इसका है. उसको फिर नाप के देख लेंगे वो इतना ही है या फिर उसने चोरी कर ली थी ऐसे, ठीक है. चलो जी आगे चलते हैं. तो क्या करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. पढ़ लेते हैं एक बार. लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन, कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी रिफॉर्मिंग. मतलब कि भाई आगे आने वाले टाइम पे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ना हो किसी तरह का, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को, टू कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कोई समस्या आए तो उसको हम देख सके और उसको निपटारा कर सके, उस समस्या का समाधान कर सके. किसी की भाई जैसे कि किसी की कितनी जमीन है, किसी की नहीं है, ठीक है. और कोई इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम कैसे सुलझाएंगे, ठीक है. इस बारे में हम इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं. तो दो चीजें हो गई. अब आते हैं नेक्स्ट. अब अगर हम आगे बात करें तो उसमें क्या है, एक तो हो जाता है पुलिस स्टेशन. क्या जाता है भाई, पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें. और दूसरा जाता है यहाँ पे पटवारी. देखो जो फर्स्ट चीज होती है, टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई, कुछ भी हो गई, तो क्या होता है, एक तो हम पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हैं. कोई भी काम होता है, हम अपनी कंप्लेन को वहाँ पे लिखवाने के लिए जाते हैं कि भाई हमें अपनी कंप्लेन लिखनी है, हमें तुमसे ये प्रॉब्लम है, हमें आपस में हम इसको नहीं सुलझा पा रहे, चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाते हैं. दूसरी चीज होता है पटवारी, जो लैंड रिकॉर्ड्स रखता है उसको क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं. क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं, पटवारी, ठीक है. क्या कहते हैं भाई, पटवारी कहते हैं. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी एसेंशियल. क्या है ये, बहुत ज्यादा, मतलब जो रूरल अर्बन है, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मतलब गांव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. समझ में आया, yes, लिखना है, yes, लिख लो. हो गया मैम. हाँ जी, एज वेल आई टोल्ड यू, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी एसेंशियल. मतलब जड़ों से, रूट से, क्या है, रूट लेवल पे है ना हमारा गांव. गांव क्या है, रूट लेवल पे गांव, उसके बाद तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद हमारी कंट्री होती है, ठीक है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, रूट से लेके क्या करता है, रूट पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. और कौन करता है, हमारे क्या होते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो भी, जो ऑफिसर्स होते हैं. क्या होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ये नहीं कि कोई भी उठाया और भेज दिया वहाँ पे, नहीं, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं वो लोग, ठीक है. आगे पढ़ेंगे कि कौन होते हैं वो लोग, फटाफट लिखो इसको. हाँ जी, तो हम इसमें करेंगे क्या, इस चैप्टर में देखो एक बार समझ लो,
हम इसके अंदर क्या क्या करने वाले, वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या पढ़ेंगे। अब क्वेल इन द विलेज, विलेज के अंदर एक झगड़ा हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का एरिया मतलब क्या होता है, क्या होता है एरिया का मतलब। दी वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कैसे काम होता है, ठीक है, कौन करता है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड्स कौन रखता है, मेंटेन कौन करता है लैंड के रिकॉर्ड, जो हमारी खेती बाड़ी की जमीन होती है, जो जिसमें हम खेत की खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी मेंटेनेंस, लैंड के रिकॉर्ड्स कौन रखता है, उसकी मेंटेनेंस कौन करता है रिकॉर्ड्स की, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन बनाता है उनको, ठीक है। और आ न्यू लॉ, एक नए कानून के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट। चलो जी, हाँ जी, अगर हम बात करें क्वारल की, देखो एक तुम्हें अच्छी सी स्टोरी बताते हैं, स्टोरी तुम्हें अच्छा लगती होगी, याद रह जाएंगे स्टोरी से, इसे तुम्हें स्टोरी बता रही हूँ। क्या है जी कि एक एक गांव में एक एक राम नाम का लड़का था, राम राम एंड श्याम, तो उन दोनों में क्या हुआ, उन दोनों के खेत इस तरह से थे, ये खेत हो गया हमारा राम का और ये हो गया श्याम का, ठीक है, ये हो गया श्याम का। तो राम जो था थोड़ा सा इसके रिश्तेदार वगैरह सरपंच वगैरह थे, ठीक है, थोड़ा क्या था इन्फ्लुएंशियल पर्सन था ये, थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव टाइप का, ठीक है। तो वही इसके पास अच्छा वाला पैसा भी था, मतलब ठीक ठाक था ये पर्सन, और ये बेचारा गरीब था श्याम। तो इसने क्या किया, राम ने अपनी जो इसकी जो लैंड है वो इतनी है अभी, तो इसने क्या किया कि अपनी लैंड को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, और श्याम के पास कितनी बच गई, कितनी बच गई, अब बता तुम, उसने अच्छा किया या बेकार किया, गलत किया, गलत किया। तो भाई इसको गुस्सा आ गया श्याम को, उसने कहा अरे ऐसे कैसे, तो उसने हो गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो इसने कहा कि भाई मैंने तो किया नहीं, ठीक है, मैंने कहा किया। तो जैसे उसके पास में गया तो इसने उसे मारपीट कर दी अपने दो चार मतलब को बुला के, और बड़े से मतलब उसको चोट फेट मार दी। तो फिर लोग आए गांव के जो लेबर से, उन्होंने कहा अरे क्या हुआ, तो इसने कहा शाम में कि भाई देखो राम ने मेरी जमीन हड़प ली, ठीक है, तो क्या किया इसने, जमीन को मेरी हड़प लिया, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ लोग, तो उसका एक दोस्त था पोस्ट ऑफिस में काम करता था वो, तो उसने कहा कि भाई तुम एक काम करो पुलिस स्टेशन चलो, उसने कहा क्या कहा कि पुलिस स्टेशन चलो चलो, किसको कहा श्याम को, उसके दोस्त ने। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो जो राम है थोड़ा सा पैसे वाला बंदा है ये, और इसका तो रिश्तेदारी पंचायत सरपंच है, तो ये तो दबा देगा उस बात को, छोड़ो रहने दो अब हम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो भाई जब उसको चोट लगी हुई है, तो आखिरकार क्या हुआ कि श्याम एग्री हो गया कि ठीक है चलते हैं पुलिस स्टेशन, क्या हो गया कि चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन। उसके बाद जब वो लोग पुलिस स्टेशन गए, जा रहे थे मतलब रास्ते में थे, तो उन्होंने कहा कोई अच्छे वाले पुलिस स्टेशन चलते हैं जो अच्छा हो, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तो क्या कोई अच्छा पुलिस स्टेशन होता है कि भाई ये पुलिस, जैसे ये शॉप होती है, तो उनको क्या लगा जैसे कोई शॉप होती है कि भाई इस शॉप पे सामान मिलेगा बढ़िया मिलेगा, इस शॉप पे सामान मिलेगा लोकल मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही वो सोच रहे थे कि इस पुलिस स्टेशन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर हम थोड़ा दूर जाएंगे बड़े पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी बात की सुनवाई होगी, ठीक है। लेकिन फिर उनके दोस्त ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि एक पुलिस स्टेशन होता है और इसके अंडर में कितना एरिया आता है, तो इस एरिया के पर्सन जो है, इस एरिया से कोई भी लोग अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए इस ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई वो चले गए यहाँ पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में जाके उसने कहा श्याम ने कि भाई देखो राम ने मेरी जमीन को हड़प लिया हुआ है, मतलब ये सब उसने अपनी बातें वहाँ पे बताई। लिख दो इस स्टेटमेंट को, लिख दो, इतने समझ में आएगी, चलो ठीक है लिखते हैं, लिखते हैं इसको।
हाँ जी देखो मैंने इसको लिख दिया स्टेटमेंट को, दोबारा समझो इस चीज को। अकबर इन द विलेज, एक विलेज में क्या हो रहा है भाई, समस्या खड़ी हो गई, झगड़ा हो गया, लेकिन क्यों, किसके बीच में हुआ, राम और श्याम के बीच में। राम क्या है, एक पावरफुल पर्सन है, इसको पावरफुल पर्सन कह सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसके रिश्तेदार पंचायत क्या बोलते हैं सरपंच है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार देयर एग्रीकल्चर फील्ड इज सेपरेट बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बन। अब ये इसका खेत है राम का और ये श्याम का खेत है, ठीक है। तो इसको जो इसको जॉइंट कर रही है बाउंड्री, इसको क्या कहा गया, बंड कहा गया। क्या कहा गया भाई, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राम है शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। तो राम ने क्या किया कि इस बंड को श्याम के खेत में शिफ्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी सी फीट दूर जाती, मतलब अपने खेत को एक्सटेंड कर दिया। भाई बातें नहीं करो, अपने खेत को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड मतलब अपने खेत को बढ़ा दिया और उसके खेत को छोटा कर दिया, ठीक है। तो भाई उसको गुस्सा आया, वो गया उसके पास, तो क्या किया, श्याम वाज बैडली हर्ट ऑन हिज हैंड एंड हेड। क्या किया वहां पे, लड़ाई झगड़ा हो गया उनका, तो उसको चोट लग गई, किसको, श्याम को, हाथ में और सिर में। लोगों ने कहा कि भाई रहने दे, उससे कम का मत ले। तो उसने कहा कि ठीक है नहीं लेते, उसके दोस्त ने कहा जो पढ़ा नहीं करा ठीक ठाक था, मतलब एजुकेटेड पर्सन था, उसने कहा कि तुम भाई जाओ पुलिस स्टेशन, ठीक है, क्यों जाओ, आए दोस्त नहीं आया था, किया करो यहाँ तक कर लेगा, इतनी जल्दी मिली नहीं है ना कैसे, ठीक है, ये भी तो कह सकता है ना। तो उसने कहा चलो भाई चलते हैं। तो वो क्या हुआ, श्याम डिसाइडेड टू गो टू पुलिस स्टेशन। उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, चलते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन चलेंगे हम, तो क्या हुआ, वो अलोंग विद सम नेबर्स, कुछ उसके नेबर्स उसके साथ में चले, जिन्होंने ये इंसिडेंट को देखा था, होता है ना चश्मदीद गवाह, तो वो चश्मदीद गवाह भी उसके साथ में चले कि भाई जो जो हुआ है इनके साथ में, मतलब श्याम को चोट मार दी, उसका सर फाड़ दिया, मतलब ये अगर वगैरह जो भी चीज हुई थी यहाँ पे, तो वो भी उन्होंने कहा कि हमने देखा है इस चीज को, पट्टी वट्टी उसको करवाई और फिर उसको लेके चल। अब यहाँ पे आए विच पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन चलेंगे हम लोग ये बताओ। अब ये तो है नहीं कि रहता रहे दिल्ली के अंदर और पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हम केरला में, ऐसा नहीं होता है ना, तो हमें दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली में हम कहाँ पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पुलिस स्टेशन भी होता है, थाना जिसको बोलते हैं। तो वो लोग गए पुलिस स्टेशन, ठीक है, यहीं तक। उसके बाद में कौन सा पुलिस स्टेशन क्या एरिया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो विच पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन, बड़े वाले पुलिस स्टेशन चलेंगे, पता चलेगा कि तुम्हारा एरिया था, हमारे अंडर में ही नहीं आता है, जाओ यहाँ से वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो यही होता है ना कि अब देखो जी आगे, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, उस एरिया की ही रिपोर्ट वो दर्ज करते हैं जो एरिया उनके कंट्रोल में आता है, ठीक है, जो एरिया उनके कंट्रोल में आएगा उसी एरिया की रिपोर्ट को लिखेंगे, ठीक है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया, जरूरी नहीं है कि राम और श्याम लड़ रहे हैं, राम श्याम का सर फोड़ रहा है, श्याम राम को मार रहा है, और कोई नहीं, वो दोनों ही जाएंगे पुलिस स्टेशन, कोई और थर्ड पर्सन जो वहाँ पे उनको देख रहे हैं वो भी जा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, जाके कह सकते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हो रही, जाके उनको देख लिया, ठीक है। तो देखो All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury या फिर fight। जो भी कोई fight हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई injured हो रहा है, कोई accident हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जाके वहाँ पे कोई भी इंसान जाके इस चीज को बता सकता है कि यहाँ पे ये हुआ है। अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है बढ़िया कि भाई 100 नंबर पे फोन करो, उनको एड्रेस दो, छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action. ये fake नहीं है, take action on the cases within its area. आप देखो, ऐसा नहीं होगा कि शाम गया पुलिस स्टेशन, उसने जाके कहा कि देखो जी ऐसे ऐसे करके लड़ाई झगड़ा हो गया है, मुझे राम ने मारा है, तो ये नहीं होगा कि उठाया डंडा पुलिस वालों ने और चल दिया, कहाँ है राम, मारो उसको डंडे से, नहीं।
पहले वो कहेंगे कि ठीक है हम तुम्हारी रिपोर्ट को लिख रहे हैं, उसके बाद में वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, इंक्वायरी करेंगे उसकी कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये झूठ बोल रहा है, फिर वो झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उसकी तहत जाएंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये नहीं होता पुलिस स्टेशन में जाओ कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराओ वो आएंगे और उठा कर जाएंगे उस पर्सन को, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आफ्टर दैट कोई भी एक्शन लेते हैं, ठीक है। हाँ ओके, आगे आते हैं। द वॉक एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है? आफ्टर रीचिंग पुलिस स्टेशन, जब श्याम पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, क्या हुआ? श्याम पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, अजल उनकी लड़ाई चल रही थी, उसके चलते क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके हाथ में और सिर में लग गई थी, राम ने उसको मार दिया था और उसकी जमीन को भी हड़प लिया था। कहा जाता है कि ये चीज कही जाती है कि भाई हमारी जमीन ही हमारे सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब बड़े बड़े झगड़े जमीन के लिए हो जाते हैं। चलो जी, तो श्याम वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। ये नहीं है कि कोई भी हम चले गए पुलिस स्टेशन, आए जी पुलिस स्टेशन में घुसे हमारी रिपोर्ट लिख लो, ऐसा नहीं होता। हमें एक प्रॉपर वहाँ पे उस टाइम पे इंचार्ज जो चार्ज पे होगा, श्याम वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, जो वहाँ पे उस टाइम पे जिसके हाथ में चार्ज है उसी के पास जाएंगे और अपनी रिपोर्ट को हम लिखवाएंगे। तो श्याम वहाँ पे गया, कहा जी हमारी रिपोर्ट लिखो। अब ऐसा हमें पता है कि श्याम की जो राम है, राम के रिलेटिव क्या है भाई? सरपंच है, ठीक है, और वो पावरफुल पर्सन है। दैट्स व्हाई क्या कहा इंचार्ज ने कहा कि देखो भाई छोटी मोटी बात है, अगर ऐसा ऐसा हो गया है तो उसको आपस में सुलझा लो, उसमें पुलिस स्टेशन में आने की क्या जरूरत है? क्यों कहा होगा उसने ऐसा? क्या राम ने फोन कर दिया होगा? क्या राम उनसे पहले पहुंच गया होगा? कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। तो वहाँ पे स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं उसको, जो इंचार्ज होता है उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO बोलते हैं, और रिएक्शन ऑफ द ऑफिसर बोलते हैं SHOO, ठीक है। स्टेपिंग इन ऑफ नेबर्स एंड डिसीजन ऑफ केस, क्या किया फिर उसने? कहा भाई मेरे से तो काम बात नहीं बनी, मुझे चोट भी लग गई, मेरी जमीन भी जली और ये मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा, ऐसे ऐसे हो सकता है? तो वो सारे जितने भी उसके पड़ोसी थे बात सबको इकट्ठा करके ले आया अंदर पुलिस स्टेशन के। तो उन्होंने कहा हाँ 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 हम पड़ोसी हैं उसके, हमें पता है, हमने इसको देखा है, हम चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ के कि हाँ राम ने इसकी जमीन को हड़पा है और राम ने ही इसको मारा भी है। डेथ हुआ क्या किया फिर उस पर्सन ने क्या किया? स्टेपिंग ऑफ दी नेबर्स, जब नेबर्स ने इस चीज़ को कहा तो उसने केस रजिस्टर कर दिया। ये बात याद रखना कि जब तक हम लोग या कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है तब जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, और वहाँ पे जाकर जब तक हम अपना केस नहीं लिखवाएंगे, हम अपने केस नहीं लिखवाएंगे तब तक वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। दे विल नॉट टेक एनी एक्शन टिल देन, जब तक हम अपना कोई भी केस रजिस्टर वहाँ पे नहीं करा लेंगे, ठीक है। हाँ जी आगे आते हैं। मेंटेन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे रखा जाता है? कौन रखता है भाई? पटवारी। कौन रखता है? पटवारी। पटवारी रखता है, वेरी गुड। हु वाज राइट राम और श्याम, कौन राइट था भाई, कौन रॉन्ग था? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हकीकत क्या है, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, दैट्स व्हाई वी डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। आते हैं। Is it not their way by which they would have settled dispute in the peacefully manner? मतलब क्या शांति से इस जो बात चल रही थी वहाँ पे कि उसने उसका लैंड अपने में मिला लिया, क्या शांति से ये बात निपट सकती है? Yes ma'am. कैसे? आप समझेंगे कि निपट सकती है या नहीं निपट सकती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन दैट लैंड इन द विलेजेस, कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं विलेजेस में, जिसमें तुम्हें बताया था कि ये जमीन इसकी है, जमीन इसकी है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अगेन मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का मेन काम क्या होता है? लैंड को, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको क्या करना,
उसके रिकॉर्ड्स रखना, उनको मेंटेन रखना. मेंटेन रखना इन द सेंस कि द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट. देखो मेनर क्या होता है पटवारी का, कि लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है. ठीक है कि जी इसके पास में इतनी लैंड है, इसके पास में इतनी लैंड है, इसके पास में, उसके पास में, इस तरह के नक्शा होता है. क्या होता है? नक्शा होता है कि भाई ये जमीन हमारे राम की है, ये श्याम की है, ये किसी और अदर पर्सन की है, यहाँ पे कोई और है, ये किसी और की है, बड़ा टुकड़ा है, ये और बड़ा टुकड़ा है, किसी और का है. इस तरह से उनके पास में क्या होता है? नक्शा होता है. ऑलराइट, चलो जी. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. देखो पटवारी को पटवारी ही नहीं, और भी कई सारे नाम होते हैं अलग अलग स्टेट में. जैसे हम पानीपुरी की बात करें तो क्या होता है, कहीं पे पानीपुरी कहते हैं, कहीं पे पुचका कहते हैं, कहीं पे वाटर बोल्स कहते हैं, कहीं पे पताशे वताशे कहते हैं. ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम होते हैं. वैसे ही अब हमने किसी को देख लिया पटवारी जी को, पटवारी जी बोले मत मानना. चलो जी, पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स में उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं. ठीक है, क्या हो सकते हैं? जैसे लेखपाल हो सकता है, कानू को बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, और ऑफिसर भी बोलते हैं. ठीक है, ये सब अलग अलग नाम उनके हो सकते हैं. लेखपाल, पटवारी, कानू को और कर्मचारी, सब एक ही पर्सन के नाम है. ठीक है, काम होता है वही, बहुत भारी भरकम काम होता है. तुम कम मान रहे हो क्या? क्या होता है गाँव में, खेती तो होता है और उनको मेंटेन करना, कि कौन सी किसने कौन सी फसल उगाई है, किसने किसका टुकड़ा काट लिया, किसने किसने कहाँ पे वेल बना लिया, इन सब चीजों को क्या करना होता है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है. उनको चलता है ना पता कि गवर्नमेंट में पता चल रहा है कि भाई इस बार हिंदुस्तान के अंदर इतनी फसल गेहूं की हुई है, इतनी फसल धान की हुई है, इतनी फसल इस चीज की हुई है. कैसे पता चलता है? ये लोग पूरा रिपोर्ट देते हैं, ये लोग पूरा डेटा देते हैं वहाँ पे, और आगे जाके फिर पता चलता है कि हमारे पूरे जो इंडिया है, पूरी पूरी कंट्री के स्टेट लेवल पे कितनी फसल किस चीज की हुई है. तो किसकी किसकी वजह से? भाई इनकी वजह से पता चलता है. ये अपना काम नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? दैट्स व्हाई दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ठीक है, समझ में आया? चलो जी, चलो जी, करो इसको फटाफट जाके सुनते. हाँ जी, अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की, तो कैसे होते हैं? हाउ टू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, भाई कैसे रखते हैं वो रिकॉर्ड्स, होता क्या है? तो एक इस तरह एक जैसे तुम्हारा रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट यस मैम स्कूल से मिलता है, उस पे क्या होता है, तुम्हारा रोल नंबर पड़ा होता है, तो उस पे सीरियल नंबर पड़ा है, जैसे कि 0.6 कुछ भी लगा लो. फिर यहाँ पे नेम होता है उसका, जैसे कि हम अगर राम की बात करें या फिर अगर हम श्याम की बात करें, तो इसका केस 0.6 के नाम से है, इसका केस 0.67 के नाम से. ठीक है, फिर इनके फादर का नाम लिखा होता है यहाँ पे, फादर्स नेम लिखा होता है, इनके फादर का नाम कुछ होगा, इनके फादर का नाम कुछ होगा. ठीक है, कितने हेक्टेयर जगह है, ठीक है, उसकी उसका मेजरमेंट होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ और होगा, मतलब ये सब, मतलब इस तरह की एक शीट होती है, उसको बोलते हैं हम खसरा नंबर. खसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खसरा. खसरा होता है वो जमीन से रिलेटेड उसके कागज होते हैं जमीन के, जस्ट लाइक जमीन की जन्म पत्री होती है. ठीक है, ओके, यस मैम. हाँ जी, तो हाउ टू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं. ठीक है, क्या रखते हैं? पटवारी प्रिपेयर मैप्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैप होता है, ये हो गई राम की, फिर ये हो गई श्याम की, फिर ये हो गई किसी और की, फिर किसी और जमींदार की हो गई, ये वाली किसी और की हो गई, किसी के पास एक बहुत छोटा टुकड़ा है तो उसकी ये हो गई, किसी की जमीन बिल्कुल सड़क के पास हो गई, किसी की सड़क से दूर हो गई, इस तरह से होती है. ठीक है, क्या हो रही है? उसके बाद अगर हम बात करें, पटवारी इज ओनली हैड बेस टू मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड इन सम प्लेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड. कैसे कैसे करता है भाई, उसको मेजर कैसे करता है? तो उसके पास में एक इस तरह की स्टिक वाली एक चेन होती है, बहुत बड़ी सी, उस चेन को रख के वो ये फोल्डेड होती है इस तरह से, वो जैसे उसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाती है. ठीक है, तो उससे उसको एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर किया जाता है. ठीक है, अब तो कंप्यूटर से भी कर लेते हैं, मतलब कोई मतलब उनके पास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट. आगे आते हैं, रिलेट दी स्टोरी राम एंड श्याम. अगर हम राम और श्याम की बात करें तो हमने अभी कहा था कि हम बिना लड़ाई झगड़े के भी इस बात को सुलझा सकते हैं. क्या बिल्कुल सुलझा सकते हैं? कैसे भाई? तू अपना खसरा नंबर दिखा दे, तू अपना खसरा नंबर दिखा दे, तेरे वाली में जितनी जमीन अगर तेरी उतनी हुई तो मतलब तुमने बेईमानी नहीं करी है. लेकिन अगर तुम्हारे पास में जितनी जमीन तुम्हारी इसमें लिखी हुई है उससे ज्यादा हुई तो फिर तुमने बेईमानी करी है, फिर भाई तुम्हें दंड देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा. फिर ये क्या हो जाएगी?
इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया? तो उसको पीसफुली भी हम निपटा सकते हैं अगर हमारे पास में ये रिकॉर्डिंग जो ये है, जो दस्तावेज है, अगर ये है तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हम उनको कह सकते हैं। भाई बातें नहीं करो, आगे आते हैं। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंज ऑर्गेनाइजिंग, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उसको भी क्या करता है भाई? कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? पटवारी। पटवारी को क्या कहते हैं? कानून को। और क्या कहते हैं? लेखपाल। और क्या कहते हैं? ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है? चलो जी, तो लैंड रेवेन्यू को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फार्मर्स। किससे? फार्मर्स से, किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप इन दिस एरिया। मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग छोटे छोटे गाँव में जब खेती होती है, अभी तो नहीं, तुम दिल्ली शहर के अंदर खेती कर रहे हो, नहीं ना, गाँव में ही होती है ना खेती, तो गाँव की खेती भाई किसने कितने खेत उगाए, किसके पास में कितनी जमीन है, उसने क्या चीज लगाई है इस बार खेत के अंदर, ठीक है? तो ये सब चीजें वो रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट करने के बाद में वो ऊपर जाके डेटा भेजता है, फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भेजता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो ऊपर जाता है स्टेट लेवल पे, तो पता चलता है कि इस स्टेट के अंदर इस बार इतनी हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फसल उगाई गई है, इतनी हेक्टेयर जमीन में चने की फसल उगाई गई है। समझ में आया? तो कौन मेंटेन करता है ये सब? अब क्या क्या करता है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, किस चीज की? क्रॉप की। कौन? पटवारी क्रॉप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। समझ में आया? यस। चलो